हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो हुआ फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और गाइस, आज दो हफ्ते से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो थोड़ा सा खांसी आ रही थी, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा खांसी आ रही, बहुत हार्ट हो गया था मेरे को खांसी से, और कोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, फीवर कोल्ड। दो हफ्ते से बीमार थी तो आज सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। आवाज़ नहीं आ रही थी, एकदम से आवाज़ मेरी बंद गई थी, बंद हो गई थी। अभी भी थोड़ी सी आवाज़ गड़गड़ाहट है, आवाज़ में अभी सफाई नहीं हुआ है, तो बस इसीलिए ब्लॉग नहीं डाल रही थी। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, और अभी सो रही थी मैं, अभी उठी हूँ, सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, दो हफ्ते से। और तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है पूछिए मत, बाहर बहुत ज़्यादा निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं ठंडा पानी नहीं पी रही हूँ दो हफ्ते, एकदम से बंद की हूँ ठंडा पानी। वही खोलता हुआ पानी, मतलब 3-4-5 शीशी खांसी की दवा, फीवर की दवा, सब कुछ। फीवर तो ठीक हो गया, और जैसे सूखा जुकाम होता है तो सूखा जुकाम हुआ था, जब दवाई खाई तो वो एकदम पानी, मतलब पानी आने लगा नाक से, उसके बाद खांसी शुरू हो गई। खांसी इतनी ज़्यादा आने लगी कि एकदम से दिमाग ख़राब हो गया और आवाज़ एकदम बंद गई थी। तो ऐसे ही दो हफ्ते मेरा चलता रहा, तो कोई मतलब ही नहीं ब्लॉग बनाने का, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो बस यही था, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। और गाइस, तो गर्म पानी पी, काढ़ा पी, सब कुछ पी, कोई चीज़ का आराम ही नहीं। अभी भी मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ, गुनगुना पानी, सादा पानी, फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पी रही हूँ, और ठंडा चीज़ बिल्कुल नहीं खा रही हूँ कि जो भी हो अभी आराम मिल जाए मुझे। सब कुछ हो जाता है मुझे, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब खांसी आती है ना, मुझे खांसी बहुत रुला देती है। तो अभी यहाँ वाले देखिए खेल रहा है, अभी दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। और चलिए गाइस, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, हमको प्यार देते रहिए ताकि हम भी आगे बढ़ें। और मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, चाय बनने जा रहा है, चाय पी लेते हैं, मिलते हैं। यहाँ पे देखिए वंश खेल रहा है गेम मोबाइल में। कौन सा गेम खेल रहे हो? यो गाइस, ये कौन सा गेम है? तो स्कूल का काम हुआ कि नहीं, होमवर्क? हाँ, हो गया। अभी नहीं हुआ ना, झूठ बोल रहे हो, हो गया है, जाके करो। क्या मिला था आज? कौन सी मैम बोली है कि एक बुक नहीं मिली है? मैम नहीं बोली है, ड्राइंग की वो बुक नहीं मिली है। हिमांशु भैया से बोल देना ना, दे देंगे। तो गाइस देखिए, अभी एक गेम खेल रहा, अभी से शाम के 5 बज रहे हैं, और यस बाहर गया है अभी, और यहाँ पर राटा लगा हुआ है क्योंकि छत वाला पंखा जो है मेरा ये ना ख़राब हो गया है, और इधर कूलर भी है तो कूलर की हवा डायरेक्ट नहीं लगती है, थोड़ा सा यहाँ तक आने में उसको कम लगता है। तो अभी पानी भी ख़त्म हो गया है, अभी भरना है, सुबह भर देते हैं तो शाम को ख़त्म हो जाता है, अभी भरेंगे इसको। जाओगे पानी भरने कूलर में? हाँ, अभी बैठे बैठा है, चाय आ गई मेरी यहीं पे, अभी यस ने दिया है ले आके चाय, तो चाय पी लेते हैं। और जब खांसी आती है ना, जब गले में सरसराहट रहती है तो कितना लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि सारा हर चीज़ गर्म, ऐसा क्या खा ले कि खांसी ठीक हो जाए। वही हाल मेरा हो गया था दो हफ्ते से, अभी तो दो दिन से मैं आराम में हूँ कि चलो ठीक है, खांसी ठीक हो गई, बहुत कुछ भी हूँ कि खांसी अचानक मेरी ठीक हुई है, दवा से बिल्कुल नहीं ठीक हुई, अचानक खांसी मेरी ठीक हुई है। और
बिल्कुल काम करने का मन नहीं हो रहा था, बस यही बताना था आज का। सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब है। कुछ लोग वेट करते हैं, कुछ लोग कि हाँ व्लॉग नहीं आया अभी, क्यों नहीं आया ऐसे ही, तो इसीलिए बताने के लिए कि हाँ मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए हम व्लॉग नहीं बना रहे थे। अब शायद प्रॉपर डेली डालू व्लॉग और डालूंगी, अब तो आराम हो गया है मुझे। बहुत गर्मी है गाइस यहाँ पे ना। वंस जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी ना, जब मतलब खांसी आती थी तो मुझे अचानक ही खांसी, एक मतलब लगातार खांसी 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 आती ही रहती थी। एक मिनट के लिए भी आराम नहीं मिलता था मुझे। अगर कोई काम कर रहे हैं तो किस तरह से हम काम करते थे हम ही जानते हैं। किचन में तो ज़्यादा खांसी आती, जैसे कोई चीज़ दाल वाल सब्जियों की फ्राई करो तो कुछ ज़्यादा ही आने लगती है। वंस मेरा बहुत मेरी सेवा की है, बेचारा गर्म पानी करके ला के देता था, काढ़ा बना के देता था, दो तीन बार तो बेचारा ये काढ़ा बना। और यस भी मेरा जो है वो भी दवा हुआ, पानी हुआ, जबकि उसकी भी तबीयत ख़राब थी, उसको भी खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अभी वो ठीक है। उसके बाद मैं पड़ गई और मेरे बाद थोड़ा सा आरू की तबीयत ख़राब हुई, आरू को भी ज़ुकाम हो गया। तो ऐसे ऐसे मौसम सीज़न चल रहा है ना, तो इसकी वजह से तबीयत सबकी ख़राब हो रही धीरे धीरे। अभी तो सब ठीक है और आज आरू को कोल्ड ड्रिंक मंगा के पी है, वही हमको थम्सअप पीना है, थम्सअप वो अपने पापा से मंगाई थी, वो और सिंह गया था लेने। कितने को मिला था मंस? 100 रुपये का था, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। थोड़ा सा हम थोड़ा सा चखे हैं, हमने देखे कैसे है। हाँ हमें नहीं, हम यश भैया को दे दिए थे, हम नहीं पिए थे, हम मेरी खांसी आ रही है ना। मैंने तुम वहाँ चाची कमरे में थे ना, तो अभी आरू मंगा के पी है। और कल बोल रही थी आरू की बड़ी मम्मी आपका ब्लॉग नहीं बन रहा है, उसको अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग में आना। तो हम कहे बेटा तबीयत ही ठीक नहीं है, आवाज़ ही अच्छी नहीं है, तो क्या बोलेंगे। अभी लग रहा है सो रही है ना आरू। बस गई यही बताना था हमें कि बस दो हफ्ते से इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, और आज का ब्लॉग यही पे अब खत्म कर देते हैं। और कल से प्रॉपर डेली ब्लॉग जाएगा मेरा, कुछ भी हो मतलब डेली जाएगा, जो भी हो छोटा मोटा चीज़ हर चीज़ आपको आपके साथ शेयर करती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। और आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, और बस यही मतलब मैसेज देना था आप लोगों को, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो चलिए ब्लॉग में ही खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो ब्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दिया करिए थोड़ा बहुत, ताकि अच्छा लगे मुझे भी कि हाँ चलो हमें सब प्यार करते हैं, जो भी है मेरे सब्सक्राइबर उनको बोल रही हूँ। और ढेर सारा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो लोग देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ कल से, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।